जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम आपकी काबिलियत के साथ साथ आपकी ताकत का भी है। याद रहे, पूर्ण उत्साह जोश के साथ हर असंभव चीज़ संभव हो जाती है। गुड लक, डू यू बेस्ट। 6, 7 व 8 तारीख को आयोजित होने वाली राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप परीक्षा में बड़े जोश, जुनून और लगन के साथ में परीक्षा में भाग लीजिए। कोई भी विद्यार्थी परीक्षा से डरे नहीं, घबराए नहीं कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। आप परीक्षा में डर गए तो आपके द्वारा विगत एक वर्ष में की गई मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप परीक्षा में बड़े जोश, जुनून और लगन के साथ में परीक्षा में भाग लीजिए। आप सफल जरूर होंगे। आप सफल होंगे तो आपका परिवार, आपके गांव, आपके सभी लोग बड़े खुश होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने माता पिता, अपने गांव का नाम रोशन जरूर करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके हौसले बहुत बुलंद है। आप अपनी मंजिल जरूर प्राप्त करेंगे। मैं परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको अपनी मंजिल जरूर प्राप्त होए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार, यही परम पिता परमात्मा से प्रार्थना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज वो घड़ी आ गई है, कल से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 6, 7 और 8 को। और इस एग्ज़ाम में बैठने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं शुभकामना देता हूं कि आपका अच्छा एग्ज़ाम हो, आप अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा करके आए। और इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको वीडियो बना के आपको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से एग्ज़ाम का माहौल आपको रखना है और आपको किस तरह से थोड़ा सा इन 1-2 दिन के अंदर आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है और क्या क्या आप स्ट्रेटजी अपनाओगे ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सको और फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सको और आपका जो सपना था वर्दी को लेकर के वो आपका सपना साकार हो सके। इसके लिए छोटा सा आपको मैं टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कई अभ्यर्थी के मन में ये रहता है कि सर कितने क्वेश्चन करें, कितने छोड़ के आए, नेगेटिव मार्किंग क्या है। थोड़ा सा आपको मैं पूरा उसको अपन मैथमेटिकल व्यू से भी देखेंगे कि वास्तव में कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, क्या करें। आपको कोई ऑप्शन में 2 आ रहे 2 नहीं आ रहे, कोई 3 ऑप्शन आपको आ नहीं रहे, 1 आ रहा है, इस हिसाब से अपन उस क्वेश्चन को छोड़े या फिर करें, अटेंड करें, क्या करें क्या नहीं करें, उस संदर्भ में थोड़ा सा आपको सकारात्मक होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम के अंदर कुल इस बार 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4। पार्ट ए भाग फर्स्ट के अंदर आपके है तर्क शक्ति, ठीक है, तर्क शक्ति इन मेंटल एबिलिटी, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका है कंप्यूटर, ठीक है। और पार्ट्स भाग 2 है, या इसको ए बोल दूं भले, भाग बे के अंदर आपके है, ठीक है, इसके अंदर है आपका भूगोल है, ठीक है, इसके साथ साथ राजव्यवस्था है, इसके साथ साथ आपकी विज्ञान है, और विज्ञान के साथ में आपकी करंट अफेयर है, ठीक है, ये आपका इसमें है, ठीक है। भारतीय भूगोल है, राजव्यवस्था है, विज्ञान है और करंट अफेयर है। और भाग 6 है, इसमें है महिला व बच्चों से संबंधित अपराध, महिला व बच्चों से रिलेटेड क्या है, अपराध कौन कौन से, ऑफेंस कौन कौन से है, ठीक है, ये है। और भाग जो आपका दय है, इस भाग दय के अंदर राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति और आपका है इतिहास, तो ये आपका पूरा का पूरा डिवाइडेशन है।
भाग चार है। इस बार आपको प्रत्येक पार्ट्स को पास करना जरूरी नहीं है, तो इस हिसाब से मान के चलिए तर्क शक्ति के लगभग 45 क्वेश्चन आने की संभावना है, 15 क्वेश्चन इसके आएंगे लगभग, आइडिया बता रहा हूँ। तो यहाँ टोटल आपकी 60 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 60। और भाग बै के अंदर है आपका भूगोल, राजव्यवस्था और इससे संबंधित आपके 35 क्वेश्चन है, कितने हैं 35 क्वेश्चन है। महिला और बच्चों से 10 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए 60 और ये आपके हो गए 90 और 150। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका 150 है, टोटल क्वेश्चन है आपके 150, ठीक है। ध्यान रखिए टाइम आपका कितना है, टाइम 2 ओवर ही है, ध्यान रखिए कितना ओवर्स है, 2 ओवर्स ही है, ये आपको ध्यान रखना। पिछली बार 75 क्वेश्चन थे और आपको 2 घंटे मिले थे, इस बार क्वेश्चन डबल हो गए और समय कम है, इसलिए थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले से ही समय का मैनेजमेंट करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपको देखिए तर्क शक्ति, थोड़ा सा तर्क शक्ति का ध्यान रखना, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, इसको एक बार छोड़ दीजिए, ताकि पूरा का पूरा पेपर अटेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्वेश्चन देखोगे आपको हो रहा है आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो एक बार छोड़ दीजिए, फिर सेकेंड टाइम में आपको और देखना। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में ये स्ट्रेटजी अपनानी है। पहली बार आप देखिए 100% आने वाले क्वेश्चन देखिए, 3 टाइप से बता रहा हूँ आपको, यानी एक तो आपको ध्यान रखना है 100% वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि 50% वाले क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद में आपको 4 में से 1 ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब 25% वाले क्वेश्चन। अब इसकी क्या एडजस्टी, तीनों की देखिए आप, तीनों की अपन रणनीति समझते हैं। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपको 100% वाले क्वेश्चन करने, जो आपको अच्छे से आ रहा है सबको कर लीजिए, ये तो आपको ऑल अटेंड करने हैं, ठीक है। 50 में आपको ध्यान रखना है 50-50 वाले क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने हैं। ध्यान रखिए मैं आपको एक थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव जो मार्किंग है वो आपकी 1/4 है, क्या है 1/4 है, तो आपको 50-50 वाले तो सारे ही करने हैं, ये मान के चलिए 50-50 के करने। कैसे देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आप 50-50 वाले करते हैं, जैसे आपकी टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपके हो गए 75 सही हो गए और 75 ही आपके गलत, 50 में यही होगा, मान लीजिए भाई इतने आपके सही इतने गलत हो गए, ये मान के चलिए तो 75 सही हो रहे हैं। यदि आप 50-50 वाले छोड़ दोगे तो कितना नुकसान होगा वो देखिए आप। अब जैसे 75 गलत होते हैं, इसका 1/4 में निकालना चाहूँ तो लगभग कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, आप मान के चलिए 19 या 18 क्वेश्चन मान लो, ये 19 क्वेश्चन मान लीजिए। अब मैं इसमें से 19 क्वेश्चन और कम कर देता हूँ तो भी आपको क्या रहा, फायदा रह रहा है, ठीक है। 19 घटा दीजिए तो लगभग आपके कितने रहेंगे, 56 क्वेश्चन, ये 55-56 के आसपास आपके सही हो रहे हैं। इसलिए 50-50 वालों को तो करना है 100%, ध्यान रखिए। पहले अटेम्प्ट के अंदर 100% वाले करिए, सेकंड में 50-50 वाले देखिए, और थर्ड में है आपको क्या 25%, यानी 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, 1 ऑप्शन आ रहा। सर इसका क्या करें, 3 तो पता है सर गलत है, बिल्कुल 3 ऑप्शन तो आपको बिल्कुल पता है कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन 1 ऑप्शन आपको मान लीजिए 1 ऑप्शन का पता है सर ये मेरे हिसाब से सही है, तो इस क्वेश्चन का क्या करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे तभी मैक्सिमम स्कोर होगा, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं। कैसे, जैसे आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ, जैसे आपके 150 क्वेश्चन है, मान के चलिए कि आपका जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैं लगभग मानता हूँ कि आप एक थोड़ा सा इसका आइडिया मैं दूंगा, लगभग मान लीजिए आपने 150 की, आपके 112 हो गए सही, 112 हो गए सही और आपके पीछे रह गए 38 हो गए गलत, सॉरी 112 गलत हो गए 38 सही हो गए। देखिए इधर 112 गलत हो गए, तुमको 3 नहीं यार, 112 गलत 138 आपके सही हो रहे मान लीजिए, तो देखिए तो भी आप नुकसान में नहीं हो। ध्यान रखिए नुकसान का मतलब, जैसे मैं टोटल क्वेश्चन का बता रहा हूँ, जैसे आपको 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे या 10 नहीं आ, जितने भी नहीं आ रहे, मैं टोटल का आइडिया बता रहा हूँ आपको,
112 गलत हो रहे, 38 सही हो रहे, तो 112 गलत का मतलब कितने कट गए? 1/4 से देखिए कितने क्वेश्चन कट रहे हैं, 8 और पीछे 3, 8 हो गए पीछे 3 और 8 चौक 32, 28 क्वेश्चन कम हो जाएगा। तो भी पीछे कितने रह रहे हैं, 10 क्वेश्चन रह रहे हैं, यानी 4-5 नंबर और मिल रहे हैं आपको। नुकसान नहीं, ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना है, 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, 1 का पता है सही है साहब, ये 3 आपको अलग से दिख रहे हैं, तो उसको भी अटेंड करना, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को भी अटेंड करना है। और आपको कौन सा क्वेश्चन अटेंड नहीं करना, आपको चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों भी आपको नहीं आ रहे, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है। और ध्यान रखिए चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं और कोई पता ही नहीं, क्वेश्चन ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिए सबसे पहले 100% वाले करने हैं, उसके बाद 50-50 वालों को टच करना है, फिर उसमें से देखना है कि 3-1 वाले को करना है, और लास्ट में उस क्वेश्चन को छोड़ देना जो चारों ऑप्शन आपको पता ही नहीं, क्वेश्चन ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है। तो यह स्ट्रेटजी अपनानी है, समय का बहुत ध्यान रखना है, समय बहुत कम है, 2 घंटे है, और मेंटल एबिलिटी लगभग 40-45 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आधा घंटा पौन घंटा खा सकता है। ध्यान ये रखना है, पहला अटेम्प्ट करिए जो आपको 100% आ रहे हैं, करके आप गोले फिलअप कर दीजिए, आधा प्रेशर कम हो जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट करिए, 50-50 वाले देखिए, क्वेश्चन करते ही आपको गोला भर दीजिए। थर्ड अटेम्प्ट करिए, फिर और आपको क्वेश्चन लगे कि यार मेरे को, जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन आपने कट कर दिया, जितनी भी कट कर दिया, तो जितने कट हो रहे उस आधार पर आपको वो क्वेश्चन भी अटेंड करना, और चारों ऑप्शन पता नहीं है वो क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना। तो इस तरह से पूरी रणनीति अपना करके पेपर को हल करना है, और बहुत ही बढ़िया टाइम मैनेजमेंट जरूर रखना, क्वेश्चन में उलझना नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए एक बार, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन मेरिट को कतई प्रभावित नहीं करेगा, 100% अंक नहीं लाने हैं आपको, 70-75% आप स्कोर कर दीजिए, आपकी सीट सुरक्षित हो जाएगी, फिजिकल की बढ़िया तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, फंसना नहीं, बस ईमानदारी से, बढ़िया मन से, उत्साह से, ऊर्जा से, बिल्कुल मोटिवेट होकर के क्वेश्चन हल करना, बिल्कुल एकदम किसी का यूं ही आस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, खुद पर भरोसा रखना है, खुद ने तैयारी की है तो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद का रखना है, पड़ोसी क्या कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखिए, इसी तरह से एक छोटी सी रणनीति अपना करके पेपर को हल करना है। मेरी सभी विद्यार्थियों जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहे, सभी को शुभकामना, मैं आशा करता हूँ, मेरी उम्मीद है कि आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, और कतई ये घबराना नहीं है, पेपर बिल्कुल सिंपल आएगा, बहुत ही सरल पेपर आएगा। इस पेपर में कतई आपको ये नहीं सोचना है कि सर पेपर क्या है, कैसा है, कुछ नहीं, आपने जो पढ़ा है उसी रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो आपने पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल सिंपल पेपर आता है, बस थोड़ा सा ध्यान रख करके, ऑप्शन को ढंग से पढ़ करके, और क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, थोड़ा सा 5-10 सेकंड सोच के करना, जल्दबाजी मत करना, सरल क्वेश्चन होता है उसमें जल्दबाजी करते हो, क्वेश्चन हड़बड़ाहट में, ईजी क्वेश्चन आता है उसको ढंग से नहीं पढ़ते हो, इसके लिए वो ईजी क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार अपन क्या टफ क्वेश्चन होते तो उसको सावधानी से पढ़ते हैं तो गलत नहीं होता, ईजी क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, आप जरूर इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, कतई आपको घबराना नहीं है, बहुत बढ़िया सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर के एग्जाम में बैठिए, आपने जो उम्मीद जताई है वो जरूर आप इस एग्जाम के अंदर सफल हो जाओगे, इसमें कतई वो चीज़ नहीं है, और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए, और अपने आप पर विश्वास रखने वाला विद्यार्थी हमेशा रण के अंदर विजेता रहा है। तो सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामना, थैंक यू सो मच।